क्या आप भी पिंपल और ऑयली स्किन की समस्या से परेशान हो? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह हो। आज मैं आपको एक ऐसा फेस वॉश के बारे में बताऊंगी जो आपकी स्किन रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर कर देगा और इसे यूज़ करना बहुत ही आसानी से, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बताएंगे। और इसे बहुत ही आप कम प्राइस में मार्केट से ला सकते हैं, ये कहीं पर भी आप किसी भी स्टोर से या किसी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी स्किन ऑयली है? अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पिंपल तो आने बनते ही हैं। अगर ऑयली स्किन होती है तो फेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑयली स्किन को ख़त्म करने के लिए आज मैं एक ऐसा फेस वॉश लेके आया हूँ जिससे आपके स्किन रिलेटेड सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और ये फेस वॉश बहुत ही बेनिफिशियल है। ये 80 ml का पैक है और ये मुझे मिला है ओनली 140 rupees में। इसका नाम है VLCC मेलिया फेस वॉश। ये स्किन डिजीज़ के लिए स्पेशली बनाया गया है। ये स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है और ऑयलीपन ख़त्म कर देता है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार कम से कम यूज़ करिए जिससे आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और इसको जब भी आप यूज़ करिए हमेशा नॉर्मल पानी से फेस वॉश करिए। बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। गर्म पानी बिल्कुल मत यूज़ करिए। जब भी आप ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करेंगे तो वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है आपके फेस के ऑयलीपन को ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 से 3 बार फेस वॉश करिए अगर आपका स्किन ऑयली है तो। गर्मी में तो स्किन ऑयली वैसे भी हो जाती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है स्किन केयर करना, तो फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि फेस वॉश कैसे करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। तो ये है मेरा ऑयली फेस, देखिए कितना ऑयली हो रखा है। अब चलते हैं फेस वॉश यूज़ करते हैं। देखिए ये VLCC मेलिया फेस वॉश है और इस पर इसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। ये 80 ml का है और ये मुझे 140 rupees मिला था। इसकी थिकनेस दिखाते हैं, ये व्हाइट कलर में दिखता है, ऊपर से ग्रीन दिखता है लेकिन हाथ में लेने के बाद ये व्हाइट ही दिखता है। देखिए इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जैसा नॉर्मल होता है सारे फेस वॉश वैसे ही हैं, उससे पतला ही है ये। और ये फोम बहुत ज़्यादा बनाता है, तो बस दोनों हाथों से ऐसे मिला के पानी लेके हल्का सा फेस पे अप्लाई करेंगे इसको और धीरे धीरे हाथ की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे पूरे फेस पे अच्छे से। पूरे फेस पे लगभग कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच तक मसाज करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। और दिन में 3 बार से तो कम फेस वॉश करना नहीं चाहिए क्योंकि गर्मियों में ऑयली स्किन ऐसे ही हो जाती है, फेस ऑयली ऑयली हो रहा था पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से। तो स्किन पे बहुत ज़्यादा तेज़ आप मत रब करिएगा, नहीं तो दाने और भी निकलने लगेंगे। आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए बहुत जेंटली इसको मसाज करिएगा एकदम हल्के हाथ से। तो इसको जितने अच्छे से आप मसाज कर पाइए करिए पूरे फेस पे। अब नेक पे, मैं नेक पे नहीं कर रही हूँ लेकिन पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी, कहीं भी कोई भी एरिया ना छूटे आप अच्छे से अप्लाई करिए इसको और अच्छे से फेस वॉश करिए। तो लगभग पूरे फेस पे मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। अच्छे से सर्कुलर मोशन में जितना आप घुमाएंगे फेस उतना ही अच्छा होगा और ऑयलीपन उतना ही ख़त्म हो जाएगा, ऑयल आपके फेस का निकल जाएगा। और ये ऑयल फ्री फेस वॉश है। तो चलिए फेस वॉश करते हैं। अब इसको पानी से धुलते हैं नॉर्मल वाटर से। तो मैंने पानी से वॉश कर लिया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फेस को पोछा भी नहीं है। तो चलिए इसके टॉवल से हम पोछ लेते हैं फेस को। देखिए फेस कितना क्लियर लग रहा है, ऑयलीपन एकदम चला गया है। तो टॉवल से इसको पोछ लेते हैं, किसी भी आपके पास जो भी पोछने वाला है कुछ भी आप पोछ लीजिए इससे। तो बस स्किन एकदम क्लियर हो चुकी है। देखिए फेस वॉश के बाद मैंने कुछ भी फेस पर अप्लाई नहीं किया अभी, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।